महीने में ही पॉस्को में कार्रवाई भी हुई और सजा का ऐलान भी हो गया। क्या पूरा प्रकरण रहा था, कैसे आपने अरेस्टिंग की थी और किस तरह से इस केस को फॉलो करते हुए आज फाइनल जजमेंट में हो गया है? देखिए, यह केस गाज़ियाबाद के विजयनगर थाने से संबंधित था। वहाँ पे सुदामापुरी नाम की एक जगह है जहाँ पे 22/4/2022 को मुझ क्षेत्राधिकारी को एक सूचना मिलती है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। हम लोग तत्काल हरकत में आके मौके पर पहुँचते हैं तो ये पाते हैं कि बच्ची की उम्र लगभग 13 वर्ष थी जिसके साथ रेप हुआ है और आरोपी रेप करके फरार था। तत्काल हम लोगों ने मुखबिर और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को अरेस्ट किया। उसके बाद विवेचना चूँकि SC/ST एक्ट से संबंधित थी तो मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा ही वह विवेचना शुरू की गई। विवेचना में भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए इसका DNA प्रोफाइलिंग कराई गई। निवाड़ी हमारी संस्था पे जाके उसको क्रम को तुड़वाया गया। क्रम तुड़वा के उसको ऊपर ले आके चूँकि यह शासन की प्राथमिकता और पीड़िता को न्याय दिलाने के क्रम में किया गया तो इसको इसकी DNA प्रोफाइलिंग कराई गई। जिस DNA प्रोफाइलिंग के आधार पर आज कोर्ट एक महीने के अंदर त्वरित न्याय करते हुए 9 गवाहों की गवाही लेते हुए और साथ में आज इन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन उसको 20 वर्ष की सश्रम सजा और 25 वर्ष का जुर्माना आर्थिक दंड लगाया। सर, ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने इस नाबालिग बच्ची के लिए एक भाई की भूमिका निभाते हुए अपना कार्य किया और यही वजह है कि आज उसको जेल भेजा जा रहा है और उसके ऊपर आर्थिक दंड रखा गया। जी बिल्कुल, आज जो निर्णय आया है, संयोग से आज रक्षाबंधन का दिन भी है तो इस निर्णय के माध्यम से मैं अपनी सारी बहनों को उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहनों की सुरक्षा का एक संदेश देता है भाइयों के माध्यम से, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।